नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग में। आज हमारे फिश फीड प्लांट एंड मशीनरी सीरीज के अंदर हम आपको 500 केजी पर आवर से लेकर के 800 केजी पर आवर के एक्सट्रूडर का ट्रायल को करने जा रहे हैं। यह दोस्तों, जैसे कि हम लोग हमारे कई सारे वीडियो में देख चुके हैं कि अभी फरवरी में हमारा फिश फीड का सीजन बहुत नज़दीक है और आप में से कई लोग अभी फिश फीड मशीन या एक्सट्रूडर खरीदने के लिए विचार कर रहे होंगे। उसी सीरीज में हम आज उन लोगों को कवर कर रहे हैं जो बड़े मात्रा में यानी कि व्यावसायिक रूप में फिश फीड का प्रोडक्शन करना चाहते हैं। तो उसी सीरीज में हम आपको 500 केजी पर आवर से लेकर 800 केजी पर आवर का एक्सट्रूडर, उसके बारे में पूरी डिटेल देने जा रहे हैं ताकि इस वीडियो के माध्यम से आप इस पूरे एक्सट्रूडर को चलाना, इसकी वर्किंग, इससे निकलने वाला दाना, इसकी टेक्नोलॉजी, पूरी चीज़ को समझ सकें। तो आइए वन टू वन सारे पहलू पर हम इस पर विचार करते हैं, देखते हैं कि आखिर ये एक्सट्रूडर कैसे वर्किंग करता है। तो दोस्तों, आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये हमारा पूरा मशीन है, ये इस मशीन का फीडिंग हॉपर है। जी हाँ, हमको जो भी रॉ मटेरियल डालना है हम इस हॉपर में डाल रहे हैं और इस रॉ मटेरियल के जो हॉपर से यहाँ पर हम लोग इस एक्सट्रूडर के मेन बैरल के अंदर, मेन चैम्बर के अंदर हम लोग मटेरियल को फीड कर रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, ये पूरा मटेरियल अच्छी तरह से बारीक किया हुआ है, क्रशिंग करने के बाद में छनाई किया हुआ है, क्योंकि हम जब क्वीन स्क्रू एक्सट्रूडर चला रहे हैं तो हमें सेविंग करना अति आवश्यक है। तो ये छना हुआ मटेरियल जब इसमें डालते हैं, इसके अंदर मॉइस्चर लगाते हैं 18 से 20% हम लोग अपनी रेसिपी के हिसाब से, और रेसिपी में मॉइस्चर लगाने के बाद में हमने इस हॉपर में डाला हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसके अंदर एक एजिटेटर आर्म है जो इस मटेरियल को पूरा घुमा रहा है ताकि कोई भी मटेरियल क्लॉगिंग ना हो, यानी कि कोई भी मटेरियल रुके ना, और इस पूरे प्रोसेस के दौरान ये मटेरियल के अंदर यूनिफॉर्मिटी आती रहती है। क्या हो गया? तो ये जो एजिटेटिंग आर्म हो गई, ये बेसिकली हमारे मटेरियल को मिक्सिंग करती रहती है, और हमारा क्योंकि पानी लगा हुआ मॉइस्चर लगा हुआ इसमें मटेरियल है तो मटेरियल कहीं भी दीवारों पर रुके ना। हालांकि हमने पूरा SS 304 के अंदर ये पूरा हॉपर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील में बना हुआ हॉपर है, और ये जो आर्म है ये घूम करके सारे मटेरियल को एक साथ मिक्सिंग करती रहती है, और मिक्सिंग करते हुए ये जो आउटलेट है इसको हम बोलते हैं फीडिंग हॉपर आउटलेट। यहाँ से हम लोग विद VFD यहाँ आप एक्सट्रूडर के मेन बैरल के अंदर मटेरियल को फीड कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा ये पूरा फ्रिक्वेंसी कंट्रोल है, यानी कि पैनल से हम लोग इसमें इसको स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं और हम जितना चाहें इसके अंदर आउटपुट निकाल सकते हैं। बट जैसा कि आपको पता है कि एक एक्सट्रूडर फुल कैपेसिटी में 4 mm पर दाना निकालेगा, उसके बाद 1 mm भी निकाल सकता है, 3 mm भी निकाल सकता है, 2 mm निकाल सकता है। तो फिलहाल ये एक्सट्रूडर अभी 4 mm पर चल रहा है और इसका 4 mm पर ट्रायल चल रहा है। तो यहाँ से हम लोग इस एक्सट्रूडर को माल फीड करते हैं, उसके बाद 1, 2, 3 तीन चैम्बर्स में दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं ये तीनों चैम्बर्स में दिए हुए हैं, और ये सारे चैम्बर जैकेटेड हैं। इस सारे चैम्बर्स में आप देख सकते हैं कि इसमें घड़ियाँ लगी हुई हैं, यानी कि इससे हम लोग टेम्परेचर देखते हैं इस चैम्बर्स का, और ये जो पाइप है, ये जो मेन पाइप दिख रहे हैं आपको, इन मेन पाइप में हम लोग स्टीम फीडिंग करते हैं। यहाँ से ये स्टीम फीडिंग इनलेट है, ये दोनों स्टीम फीडिंग इनलेट है, और यहाँ से स्टीम जाती है इस चैम्बर के अंदर, और ये चैम्बर के अंदर जा करके हीटिंग देने का काम करती है। तो बेसिकली ये पूरा इसका स्टीम यूनिट है जहाँ से हम लोग इसके अंदर स्टीम दे रहे हैं, और ये मटेरियल यहाँ से फीड होकर के चैम्बर दर चैम्बर जा रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग इसका फीडिंग चैम्बर, इसको बोलते हैं बिटवीन चैम्बर, और इसको बोलते हैं फाइनल चैम्बर। तो तीनों ही चैम्बर का अपना अपना रोल है। ये चैम्बर इसको मटेरियल फीड करने का काम करता है, बीच वाला चैम्बर जो है इस पूरे मटेरियल को शेयरिंग फोर्सेस से एक नैरो डाई से गुजारने के लिए फोर्स देता है, और लास्ट वाला चैम्बर के एंड में जहाँ हम लोग डाई लगाते हैं यहाँ से ये मटेरियल पूरा प्रेशर जो करके डाई से निकलता है। तो ये तीनों चैम्बर कॉम्बिनेशन बना करके इतना टेंसाइल कंप्रेसिव एंड शेयरिंग फोर्सेस क्रिएट कर देते हैं कि हमारा मटेरियल जो यहाँ पाउडर रूप में दिख रहा है वह हमको दाने के रूप में मिलता है। तो दोस्तों, बहुत बड़ा चमत्कार है कि यहाँ पर जो मटेरियल हमको पाउडर फॉर्म में दिख रहा है वो लास्ट में जा करके एक पैलेट के रूप में, यानी कि गोल दाने के रूप में मिल रहा है। इस पूरे प्रोसेस को ये एक्सट्रूडर काम कन्वर्ट करता है, और इसको कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम लोगों ने बैरल और स्क्रू का सेट दिया हुआ है अंदर, जो आप देख सकते हैं ये डबल स्क्रू एक्सट्रूडर है, आप ये देख सकते हैं यहाँ से डबल स्क्रू चल रहे हैं, ये डबल स्क्रू आप देख सकते हैं, इसमें डबल स्क्रू चल रहे हैं, और ये मटेरियल को आगे धकेल रहे हैं, और धकेल करके जितना मटेरियल ये ले रहे हैं उसको दाने में कन्वर्ट करके दे रहे हैं। और दोस्तों, ये तो था फीडिंग ऊपर, ये एक्सट्रूडर की मेन मोटर है। जी हाँ, ये मेन मोटर यहाँ पर कपलिंग से जुड़ी हुई है, और कपलिंग से जुड़ी हुई है, देखिए आप ये ABB की मोटर लगी हुई है, ABB कंपनी की मोटर लगी हुई है, और ये मेन मोटर यहाँ पर कपलिंग से जुड़ करके इस गेयरबॉक्स को पावर दे रही है। यह गेयरबॉक्स इस पूरे मशीन का हार्ट होता है, जो कि इस पूरे मशीन के अंदर
कितने आरपीएम चल रहे हैं पूरा ये डिसाइड करता है। इस गियर बॉक्स के अंदर हम जो मेन मोटर है उसके आरपीएम को तोड़ रहे हैं और उसको टॉर्क दे रहे हैं ताकि हम लोग फोर्स से गाना बना पाए। तो ये पूरा गियर बॉक्स है, यहाँ से आता ये पूरा गियर बॉक्स है, आप देख सकते हैं। इस गियर बॉक्स के अंदर हम लोग स्पीड रिडक्शन कर रहे हैं, यहाँ से मेन मोटर से आरपीएम मिल रहे हैं और यहाँ पर स्पीड रिडक्शन हो रहा है। स्पीड रिडक्शन होकर के ये है हमारी मेन जो पावर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों हमारे स्क्रू आउटेड आ रहे हैं, ये दोनों स्क्रू हमारे यहाँ पर इनको पावर मिल रही है और ये स्क्रू फिर यहाँ तक लास्ट तक पावर चल रहे हैं। तो ये पीछे का जो बॉडी हुआ हमारा, ये इस पूरे स्कूटर का मेन ड्राइविंग फोर्स है। इसके बाद हम आगे आते हैं, दोस्तों ये इस एक्सप्लोरर का मेन पार्ट है जहाँ पर हम गाने की कटिंग करते हैं। ये कटिंग सेक्शन है, इस कटिंग सेक्शन के अंदर हम लोग कटिंग कर रहे हैं। बोलो कटिंग सेक्शन का कटिंग कर रहे हैं, जब पूरा कटिंग का काम हो रहा है। और आप ये दला देख सकते हैं, फीड एक गोल शेप का फीड इसमें आ रहा है पूरा। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का फीड ये मशीन निकाल रही है, जो किसी भी बड़ी कंपनी के फीड से कम नहीं है। दोस्तों अभी हमने ये समझा कि आखिर ये 500 केजी से 600 केजी पर आवर की जो मशीन है वो किस तरह से काम करती है। अब हम लगाते हैं इस मशीन के दाने का फ्लोटिंग टेस्ट। ये हमने इसका दाना लिया और हम ये डाल रहे हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं 100% दाना इसमें फ्लोट कर रहा है। और साथ साथ फ्लोटिंग के साथ साथ पूरे दाने की कंसिस्टेंसी और उसका जो शेप है, एक एक्चुअल शेप इसके अंदर आया है जो किसी भी बड़ी कंपनी के दाने से कम नहीं है। दोस्तों इस मशीन के लिए आपको इसके साथ साथ अदर मशीन जैसे कि क्रशर, सीवर, मिक्सर, ड्रायर, कूलर और फ्लेवरी मशीन अगर लगा लेते हैं तो एक पूरा प्लांट आपका रेडी हो सकता है। और इस मशीन के लिए आपको सोया DOC, मस्टर्ड DOC, DORB, DDGS, राइस ब्रान, राइस पॉलिश, मेज, वीट फ्लावर, MBM, BM, फिश मील और फिश ऑयल, ऐसे आप 10 से 12 तरह के रॉ मटेरियल को ट्राई करके आप किसी भी रेसिपी पे इस मशीन से दाना बना सकते हैं। और ये मशीन चलाने में बहुत ही आसान है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक नॉर्मल ऑपरेटर इस मशीन को रन कर रहा है। इसलिए मशीन को रन करना भी बहुत कठिन काम नहीं, बहुत आसानी से मशीन रन हो सकती है। तो हमारे सारे किसान भाई जो फीड की बहुत बड़ी हुई लागत से परेशान है, जो
दिन प्रतिदिन फीड को देने की चिंता में लगे हुए हैं कि हम कैसे फीड का पैसा लाएंगे, कैसे फीड मछलियों को देंगे, मछली तो हमने डाल लिया है, तो उनको चिंता करने का विषय बिल्कुल नहीं है। आपके आसपास सारे ही रॉ मटेरियल अवेलेबल हैं, आपको सिर्फ हमारी कंपनी से एक बेस्ट क्वालिटी की फिश फीड मशीन लेनी है और इस मशीन से आप अपने फार्म पर अपना मन मुताबिक FCR का यानी फीड कन्वर्जन रेशो का फीड बना सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी कोई भी शंका आपको नहीं होना चाहिए। तो आपको दोस्तों देर नहीं करनी है, फरवरी का सीज़न नज़दीक है, आप हमारी फैक्ट्री जो कि पुणे, बनारस, आगरा, कोटा व गुवाहाटी पूरे इंडिया अवेलेबल है, आपको हमारी फैक्ट्री पर पहुंचना है, मशीन का ट्रायल लेना है और ट्रायल लेकर के मशीन को आपको बुक करना है। साथ ही साथ एक्सट्रूडर मशीन के साथ में क्रशर मशीन, मिक्सर मशीन, ड्रायर, कूलर और फ्लेविंग, अगर आप ये पूरा सेट लेते हैं तो आप कमर्शियल लेवल पे अपना फीड बेच करके 5 से 6 रुपये, 10 रुपये केजी का मार्जिन लेकर के बड़ी से बड़ी कंपनी को भी टक्कर दे सकते हैं। तो अपनी सेविंग के साथ साथ आप कमाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों देर नहीं करना है, आपको इमिडिएटली मशीन को बुक करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो का कमेंट कीजिए, तथा साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस भी आप तक पहुंच सके और आप अपनी नॉलेज को अपडेट कर सके। इसके साथ ही दोस्तों आप हमें डायरेक्टली हमारे नंबर 7073642737 पर व्हाट्सअप करके या कॉल करके हमारे मशीन के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.pvgfoodmachinemanufacturer.com या www.provexengineering.com पर जाकर के आप इस मशीन से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स टू ऑल।